So, hey, what's up guys? This is Akshay here and welcome to the another episode of Mr. Jarus, ठीक है? तो आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक घोषणा करना चाहता हूँ। देखो भाई, आज के एपिसोड में या फिर आगे आने वाले जितने भी एपिसोड है उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन में माल मसाला रहता है ना, उसका लिंक आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेगा। लेकिन क्या सीन होता है ना कि बहुत सारे मैं मोड्स बताता हूँ, बहुत सारे हैक्स बताता हूँ जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। टेलीग्राम अपना घर है, जिंदाबाद भाई, आओ जाओ घर तुम्हारा, कभी उठा लो कभी भगा लो, जो चाहिए वो कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसके बाद इंस्टाग्राम का, उसके बाद फलाना ढिमकाना, और कुछ गिव अवेज वगैरह भी आ रहे हैं। आगे आने वाले एक दो दिन में आप लोगों को उसका अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दियो और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम तो एप्लीकेशन के लिंक सोर्स वगैरह उसके लिए ज्वाइन कर लेना, वहां पे एक्चुअली बहुत सारी बातें वगैरह भी होती रहती है, तो ज्वाइन करना, ठीक है? आज के एपिसोड के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में। तो यहां पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते। उससे पहले आधे घंटे वाली गैंग, जितना बात जितने भी लोग आधे घंटे में कमेंट करेंगे सबको ऐसे चुम्बेश्वरी हार्ट निकाल के दे दूंगा मैं, तो जिसको जो चाहिए वो कर लो हार्ट के साथ, ठीक है? यहां पर स्टार्ट करते फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ जिसका नाम है शॉर्टकट। अभी देखो भाई, जो भी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड करते हैं एडिटिंग के लिए, भाई आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो ही चाहिए। आप लोग बहुत सारे ऐसे रील्स वगैरह भी होते हैं जहां पे खाली एक ही फोटो रहता है, पता नहीं भाई एक फोटो पे इतने सारे लाइक क्यों आ जाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली है ना बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को यहाँ पर इन बिल्ट टेम्पलेट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। एक ही फोटो को आप लोग बहुत सारे इफेक्ट्स वगैरह, जैसे कि ग्लिच इफेक्ट्स हो गया, या फिर रिसेंटली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे वायरल हो रहे वो डुडुंड 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 करके, जो ऐसे फास्ट स्लो मोशन में एक ही फोटो ऐसे 3D टाइप में देखने के लिए मिल जाता है, तो वैसे टाइप के आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है वो इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे VFX इफेक्ट जो है वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। क्रिएट के अगर आप लोग टैप करते हो, तो अगर आप लोग कोई भी एक अच्छे खासे रील्स वगैरह एडिट करते हो, आप लोग को एडिटिंग का ई भी नहीं मालूम, फिर भी आप लोग यहाँ पर एडिटिंग जो है वो कर सकते हो। सिंपली आप लोग यहाँ पर 2, 4, 5, 10 जितने भी आपकी जिंदगी भर की जितने भी वीडियोस है ना, सब इसके अंदर डाल देने का। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे नीचे आप लोगों को टेम्पलेट्स, फीचर्स, इफेक्ट्स जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि इफेक्ट्स हो गया, कैनवास हो गया, बैकग्राउंड हो गया, फिल्टर मारना है, स्पीड कम ज्यादा करना है, इवन उसे स्प्लिट करना है, और म्यूजिक भी आप लोग यहाँ पर अलग से ऐड कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड किया था गाड़ी के साथ का, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो थे वो थे, वो मैंने एक्चुअली यहीं से एडिट किया था, तो एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन लगी, तो एक बार इसे जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते तो भाई उसका नाम है वॉलंटियर। रेगुलर लाइफ में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिनसे सिर्फ हमें नहीं दूसरों को भी खुशी मिलती है, और साथ ही साथ अंदर ही अंदर हम लोग भी खुश हो जाते हैं। अनजाने में पाप जितने भी किए रहेंगे ना वो तो अलग बात है, बट कहीं पर हम लोग ऐसे कोई दिख जाता है भाई, मतलब एक बूढ़ी औरत या फिर कुछ भी, तो उसे हम लोग बहुत सारे ऐसे लाइक किसी को खाना ऑफर करते हैं या फिर किसी को हम लोग पैसे ऑफर करते हैं। तो ऐसा ही एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हो। बेसिकली एक चैरिटी एप्लीकेशन है जिसके अंदर सिंपली आप लोग जो रेगुलर गेम्स खेलते हो, जैसे कि कैंडी क्रश हो गया और भी बहुत सारे गेम्स है, जिसके थ्रू आप लोग उन्हें डोनेट कर सकते हो। अभी इसके लिए आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन ओपन करना है, इसके अंदर जितने भी आप लोग कॉइन्स जो है वो जनरेट करोगे ना, वो कॉइन्स से एक डॉलर क्रिएट होगा या फिर पैसे जनरेट होंगे, और वो पैसे सीधा चैरिटी या फिर किसी ट्रस्ट में जाएंगे। बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इसे भी एक बार जरूर ट्राई कर लेना। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करो तो उसका नाम है क्लिपबोर्ड। अभी ये थोड़ा एक हैकिंग टाइप का एप्लीकेशन है, मान के चलते भाई आप लोगों को किसी को स्पाई करना है। तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। मान के चलते भाई आप लोगों को पता नहीं है बंदी फोन में क्या क्या करते है क्या क्या नहीं करती है, तो इवन आप लोग उसका कीबोर्ड का एक पार्ट जो है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू हैक कर सकते हैं। एंड्रॉइड डिवाइस में जिसका आप लोग को स्पाई करना है उसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, साथ ही साथ आपके एंड्रॉइड डिवाइस में भी सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। दोनों के अंदर सेम ईमेल आईडी से आप लोगों को इसे लॉगिन कर देना है। कुछ भी अगर वर्ड टाइप करते हो और उसे अगर कॉपी कर लेते हो तो वो सिंपली डायरेक्टली यहां पर पहुंच जाएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि रिसेंट में आपने क्या कॉपी किया था। इवन आपकी बेगम साहिबा ने या फिर जो कोई फलाना जो कोई भी है उसने क्या कॉपी किया था वो आप लोगों को आपके फोन में मिल जाएगा। इसका एक दूसरा यूज भी है, आप लोग अगर आपके एंड्रॉइड डिवाइस में आज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो ना, जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपका बच्चा ऐसा बड़ा हो जाएगा अपने जैसा, तो वो भी देख पाएगा कि पापा ने 10-20 साल पहले क्या क्या ऐसे कॉपी वगैरह करके रखा था, कौन कौन से साइट थे, कौन कौन से फीचर्स थे, किसको भाई ऐसा मस्त में लव लेटर लिखा था उसको कॉपी करके रख दिया था, तो वो भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बहुत ही काम की चीज है, इसको भी एक बार ट्राई कर लिया करो। वेल, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते ना, तो भाई आजकल है ना छोटे छोटे बच्चों के पास भी है ना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट
क्रेडिट कार्ड तो नहीं, वो तो दूर की बात है, लेकिन डेबिट कार्ड तो लेके घूमते ही है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है रश। अभी मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ, इसके जो फीचर्स है ना वो बहुत ही ढासू टाइप के। सबसे पहले तो एप्लीकेशन पूरी की पूरी कंप्लीट एड फ्री है, कोई भी एड आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपके डेबिट कार्ड के ऊपर या फिर आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो अभी रनिंग कोई स्पेशल ऑफर चल रहा है या फिर कोई भी नॉर्मल ऑफर चल रहा है ना, तो वो आप लोगों को नहीं पता रहता। इवन आप लोग बहुत ज्यादा ऐसे गूगल करने के बाद आप लोगों को पता चल जाता है, बट इस एप्लीकेशन के अंदर ना सारी चीजें ऐसे मस्त में सॉर्टेड करके रखी है भाई। इस एप्लीकेशन के थ्रू है ना आप लोगों को आपके कार्ड डिटेल्स शेयर किए बिना भी आप लोगों को वहां पे पता चल जाएगा कि आपके कार्ड के ऊपर कौन सा ऑफर चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग सबसे पहले कार्ड जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिंपली एक्सप्लोर के ऊपर आप लोग चले गए तो आपको आपका सिंपली कार्ड जो है वो सर्च करना है, HDFC का कार्ड है या फिर एक्सिस बैंक का कार्ड है या फिर अपना सबका भगवान SBI जो हमेशा खाते ही रहते हैं, लंच टाइम ही चलता रहता है, तो वो है। इवन आप लोग यहाँ पर कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हो कार्ड। इसके साथ ही साथ यहाँ पे है ना आप लोगों को ऑनलाइन ऑफर क्या है वो भी देखने के लिए मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्यूल ऑफर जो है ना, कौन से पंप पे कितना कैशबैक मिल रहा है वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। भाई फ्यूल की अगर मैं बात करूँ ना तो इतनी से थैली में ना सोनार की दुकान पे मिल जाएगा, नहीं तो स्टोर पे बेचने लग जाएंगे, क्या बोलने का। तो ये सारे ऑफर जो है वो इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। वो टिंडर उसके अलावा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फायदे में रहोगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते तो उसका नाम है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। बेसिकली ये एक स्क्रीन सेवर करके आप लोग इसे मान सकते हो या फिर एमोलेड डिस्प्ले समझ सकते हो इसको, जिसके थ्रू आप लोग आपका जो लॉक स्क्रीन है उसके ऊपर एक मस्त खूबसूरत सा चेहरा जो है वो चढ़ा सकते हो। इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे एनिमेशन, जो एनालॉग वॉच होता है, डिजिटल वॉच होता है या फिर सैमसंग का जो पुराना वाला डिवाइस है जिसके अंदर जो स्क्रीन सेवर है या फिर एमोलेड स्क्रीन है, वो ऐसे साइड में आप लोग को वर्ड में कुछ डेट या फिर कुछ टाइम या फिर कुछ कैप्शन थॉट्स ये वो फलाना ढिमकाना चलता रहता है, तो वैसे ही टाइप के। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमेटेड इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, और कलर कस्टमाइज जो है वो भी आप लोग कर सकते हो, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक ये भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और दिखने के लिए भी बहुत ही ज्यादा डासू टाइप का लगता है, तो ये भी एक बार जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वन एज बेसिकली एक ऐसे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप लोग एक छोटा मोटा हल्का सा फुल्का सा वन UI का जो साइड एज पैनल है उसका फीचर या फिर उसका फील जो है वो ले सकते हो। हालांकि इसके अंदर एक चीज की कमी है, जो कंट्रोल सेंटर है एज पैनल पे आप लोगों को एक कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिल जाता है, वो इसके अंदर नहीं है, बट स्टिल काम चला सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। एज इट इज सेम डिजाइन किया हुआ है, ऐप लिस्ट आप लोगों को मिल जाती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, काउंट डाउन, वॉटर का एक मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका फीचर। इसके अंदर है ना आप लोग सिंपली एक टाइम लगा देने का कि 2-2 घंटे बाद, 4-4 घंटे बाद मेरे को अपडेट करते रहना कि भाई मैंने पानी पिया या नहीं, भाई पानी पी ले नहीं तो मर जाएगा, अंदर से खून सूख जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर आप लोगों को एडिट करके इसके अंदर टाइम जो है वो आप लोग ऐड करके वाटर जो है वो पीने के लिए बोलता रहेगा। साथ ही साथ इसका जो इफेक्ट है, फ्लो वाला इफेक्ट है वेव वाला वाटर का, वो भी सही लगता है। टाइमर है, टूल्स है, RSS, ऐप यूजेस, जितने भी आप लोगों ने रिसेंटली ऐप यूज किए, कितना घंटा कहाँ पर क्या क्या आप लोगों ने यूज किया है, भाई इंस्टाग्राम पे इतना टाइम गया है, व्हाट्सएप पे इतना टाइम खर्चा किया है, पढ़ाई तो कुछ घंटा किया नहीं है, तो वो आप लोग इसके जरिए पता कर सकते हो। और एक मैजिक हैट का फीचर है जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है भाई पता नहीं, भाई खुद देख लेना, अभी छूट जाता है कभी कभी कुछ। तो इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन की और बोनस एप्लीकेशन की बात करूं जिसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता, तो उसका नाम है नमस्टर। अभी नमस्टर बेसिकली एक कॉल स्क्रीन आप लोग इसे बोल सकते हो, बट ये एक यूनिक टाइप का कॉल स्क्रीन है। आप लोग किसी को कॉल कर रहे हो या फिर इवन आप लोग को किसी का कॉल आता है तो वही टाइम पे आप लोग आपका कॉलर स्क्रीन जो है वो कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप लोग को पसंद नहीं आ रही कि मेरे को बंदी फोन कर रही है लेकिन ये कॉल स्क्रीन मेरे को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, बंदी पसंद है लेकिन कॉल स्क्रीन पसंद नहीं, वही के वही आप लोग उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को SMS, डायलर और नमस्टर, ये तीन ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे तीन टाइप के आप लोगों को इफेक्ट्स या फिर फीचर जो है वो मिल जाते हैं। एक है फुल स्क्रीन कॉलर ID, दूसरा है रेगुलर प्लस कॉल डिस्प्ले, और साथ ही साथ डिसेबल कर दो उसको, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर कस्टमाइजेशन की अगर मैं इफेक्ट्स की बात करूँ ना, तो आप लोगों को यहाँ पर नीचे की तरफ या आप लोग जो बटन से एक्सेप्ट एंड रिसीव करने का जो बटन से उसे आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर जो है वो भी आप लोग वहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग अगर कॉल स्क्रीन को ठीक से देखोगे ना, तो ऊपर की तरफ एक नंबर या फिर एक पॉइंट जो है वो जनरेट होता है, एक मार्क जो है वो जनरेट होता है कि ये कॉल स्पैम है या नहीं, या फिर कितने परसेंट लोगों ने इसे स्पैम में डाला या
फिर ये पूरा आप लोगों को उसका रेशो जो है वो वहां पर देखने के लिए मिल जाता है। ये थोड़ा बहुत मुझे यूनिक टाइप का एप्लीकेशन लगा। इवन इसके अंदर आप लोग नोट्स जो है वो भी ऐड कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग डायल पैड देखोगे, SMS देखोगे, वो भी आप लोगों को एक यूनिक टाइप का जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो यही था भाई आज के इस एपिसोड के अंदर दिखाने के लिए। आई होप दोस्तों आप लोग को आज का एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप लोग के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।